शहर कायद में 8 माह से पुलिस और रेंजर्स जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 8 माह से जारी ऑपरेशन के दौरान 1267 पुलिस मुकाबलों में 246 जराइम पेशा अफराद मारे गए। दहशतगर्दों के हमलों में 107 पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए। टारगेटेड ऑपरेशन से टारगेट किलिंग और दीगर जराइम में कमी हुई, मगर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 8 माह के दौरान 7536 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गयी, जबकि ऑपरेशन से कबल 8 माह के दौरान ये तादाद 7178 थी। ऑपरेशन के 8 माह के दौरान मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में भी इजाफा देखा गया। स्ट्रीट क्राइम में 5521 अफराद मोबाइल फोन से महरूम हुए, जबकि ऑपरेशन से कबल 8 माह के दौरान ये तादाद 3794 थी। एडिशनल आईजी कराची के तर्जुमान अतीक शेख के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में कम उम्र नौजवानों की तादाद बढ़ रही है। जराइम को रोकने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं है, कैमरों के लिए कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां पे आप हर जगह कैमरे भी नहीं लगे हुए, तो टाइम लगता है। फिर जो आई विटनेसेस हैं वो नहीं आते, कोई प्रॉपर कंप्लेन अक्सर लोग नहीं कराना चाहते, उनको उसके भी इश्यूज हैं, उसमें हमारा भी थोड़ा सा कसूर है जिसको हम अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करें। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों का दस्ता भी तरतीब दिया है, जबकि पुलिस मोबाइल के गश्त में भी इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन खलील आदिल के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज़, कराची।